रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं गुरु मंदिर पे, ब्लू रिबन बेकरी के बिल्कुल ऑपोजिट है हम लोग। और यहाँ पे हमारे दोस्त हैं आबिद भाई, उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि यहाँ पर आप आएँ। और आकर जो है इसे आप मेरे देख सकते हैं, ये कराची की बड़ी पहचान है कि बग्गी के अंदर लोग बड़े शौक से सफ़र किया करते थे, आजकल तो सारे मोबाइलों में घुस गए तो बग्गी में सवार नहीं होते लोग आजकल। वरना ये नॉर्मली इनकी कराची में जो सबसे बेस्ट जो बग्गी थे ना, उनमें से इनकी एक है। तो बग्गी इधर है और घोड़ा इधर है, थोड़ा सा बच के रहना पड़ता ना घोड़ा थोड़ा। तो इस वीडियो में आपको घोड़ी घोड़ा और बग्गी के इसका सारा सेटअप कैसे होता है, ये राउंड कहाँ तक आपको लेके देते हैं, ये सब इसमें दिखाते हैं। तो ये चल के वीडियो एक्सप्लोर करते हैं और शुरू करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल, तुम भी आओ। ये देखें जी, ये खड़ी है वो बग्गी, और अभी आपको हम मिलाते हैं। ये जी आबिद भाई, आबिद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आबिद भाई क्या दिखाने लगे हैं इस वीडियो में, लोगों को क्या इंटरटेनमेंट दे रहे हैं बताएं ज़रा लोगों को। मैं इस वक्त जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी विरासत है, हम जिसे कहते हैं विरसा है हमारा, घोड़ा और बग्गी कराची का एक विरसा है, तो हम आज वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये बग्गी का सारा सेटअप और अंदर जो आपने घोड़े वगैरह खड़े किए हैं सब दिखाएंगे आज जी इंशाल्लाह सब कुछ। तो चल के फिर शुरू करते हैं, चलाओ मेरे नाल। आओ मेरे बग्गी सामने खड़ी हुई है, हम लोग अभी अपोजिट रोड के आ गए कि जहाँ पे घोड़ों की जो स्टबल या पार्किंग कह लें वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। वो खड़ा है अंदर शाह दादा, ये जी जब मतलब घोड़ों वगैरह को जब यहाँ पे लगे खड़ा किया जाता है, उनको तैयार व्यार करके फिर बग्गी के आगे लगाया जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो एक घोड़ा भी लगवाते हैं, शादियों के तकरीब में भी जाता है ये, और कुछ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी यहाँ से घोड़े वगैरह जो है हायर करके बग्गी के साथ लेके जाते हैं। घोड़े माशाल्लाह अच्छे सारे वाइट है। तो ये एक बग्गी में कितने घोड़े लगते हैं? इसमें एक घोड़ा लगेगा तो क्या चार्ज करेंगे? एक घोड़ा होता है वो बर्थडे वगैरह के लिए, छोटी बग्गी होती है, चार व्हीलर बग्गी होती है वो जो बर्थडे के लिए। सही है। और जो ये छह व्हीलर जो है इसमें दो घोड़े कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा छह। सही। उसके हम लोग जो चार्जेस देते हैं, दो घोड़ों हम देते हैं 10,000 रुपये, चार घोड़ों को देते हैं फुल आधा। अच्छा, और छः होंगे तो? छः होंगे तो उनके रूट का भी हिसाब देखा जाता है कितना दूर है। हमारा काम मेन किरदार ये होता है कि दूल्हे को दुल्हन के घर में एंट्री करनी है। अच्छा। हमारा काम होता है 1 किलोमीटर का। अभी 1 किलोमीटर हम लोग यहाँ से मसाल के तौर पर गुलशन चले जाते हैं, गुलशन हॉल से पहले या उनके हॉल से पहले या उनके घर से पहले हम वहाँ खड़े हो जाएंगे 1 किलोमीटर पहले, वहाँ से बिठा के उनको मकसूद भाई का नंबर मकसूद भाई ने बता दिया है अगर। हाँ, ये कार्ड भी मकसूद भाई का देख लीजिए, ये देखेंगे मकसूद भाई का कार्ड। कोई अगर रब्ता करना चाह रहा है मकसूद भाई से, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूंगा यार, समझता नहीं है नंबर भाई ने बता दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा भाई का नंबर ना। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि कोई बंदा अपने किसी ओकेजन के लिए या अच्छा दूसरा यही बताया ना कि जो बच्चों वगैरह को आप ट्रिप देते हैं उसका क्या वो लेते हैं चार्जेस बर्थडे वगैरह के लिए? नहीं नहीं, जो नॉर्मली आ गए यहाँ पे कि नहीं हम लोग बहुत कम, वो इसका प्रोसेस लंबा होता है, बांधना है, फिर वो टाइम नहीं होता है, आपको पता है आजकल हर बंदा
बस जल्दी की चक्कर। देखो मिसाल के तौर पे कोई आता है बोलता है जी आप हम आप पे बुक करते हैं, आप हमें कराची का एक मखसूस एरिया घुमा दें, फिर क्या करें? हम लोग वो छोटी बग्घी के लेते हैं, एक घंटे के चार्जेस 2000 लेते हैं, उसमें 6-7 लोग बैठे हैं, उसमें मतलब यही होते हैं कि मियाँ बीबी 2-3 बच्चे होते हैं, उनको बिठाया यहाँ से ले गए सभी तो सीटों के साइड पर लगा के चक्कर लगे इन्जॉयमेंट होती है, यहाँ से सीबीओ चले जाता है, सीबीओ से आ जाता है आराम से, इसके आप 2000 पे चार्ज नहीं उसके देखो घंटे के हिसाब होते हैं, अगर वो लमसम कर देगा बात तो हम उससे लेते हैं 4000 रुपये। अच्छा उसमें ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं 4 घंटे लगते हैं, मतलब वहाँ जाएगा थोड़ा रेस्ट करेंगे थोड़ा घूमेंगे और फिर आप वापस जाएंगे, ऐसा है? ठीक है, तो ये थी भाई डिटेल थोड़ी सी भाई की, और अब हम चल के बग्गी देखते हैं, उसमें बैठते हैं, उसमें ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा यहाँ के करीब, तो थोड़े ग्राउंड भी लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हमारा कैसा ये ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो फिर आओ मेरे। अच्छा ये भाई का पेज भी है, डिसेंट बग्गी हाउस, इसको भी लाइक करें और इसको जो है वो जो कोई कॉन्टैक्ट वगैरह चाहिए तो कॉन्टैक्ट इसे मिल भी जाएगा आपको, देखना भी बनाया हुआ लड़के ने, ये देख रहे हैं आप, तो अभी दबी सासा वीडियो बना रहे हैं, आबिर भाई जो है वो कह रहे हैं यार आपका डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, तो अब पता नहीं कितनों को अच्छा लगता है, आ जाओ भाई चलो नाराज लग रहे हो मुझे कुछ, तुम बाहर आओ, थोड़ा आ रहा है बाहर, मशवरा दिया है कि हम इस तरह ऐसे कुछ सिनेमेटिक शॉट्स ऐसे लेते हैं कि साथ एक बाइक भी चलेगी और साथ बग्घी के अंदर सवारी भी होगी, तो दोनों तरफ से आपको शॉट दिखाए जाएंगे और फैजान भाई साथ भागेंगे बग्घी के, ये 3 किस्म के शॉट जो हैं आपको इस तरह दिखाने वाले, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये भागेंगे, लेकिन आजकल की जनरेशन के अंदर जान नहीं है भाई, भाग भाग नहीं सकती वो, अपनी जिम्मेदारियों से ही भाग सकती है सिर्फ और कुछ नहीं कर सकती, बाकी देखें वो एक एक यार ये बाल माशाल्लाह प्रोटीन से भरे हुए बाल हैं, चने खाते हैं सही। अब ये बग्घी जो है घोड़ा जो है ये बग्घी के साथ आगे फिट किया जाएगा, एक लग रहे दो लग रहे, दो अदर घोड़े लगाए जा रहे हैं भाई, और आप इतना काफ़ी चलो जाए कह रहे थे तुम इतना दूर चले जाओ यहाँ गरीब आओ यार, क्या हो इधर आओ कैसे हो तुम इधर आओ सामने आओ भाई, इतनी दूर से आवाज़ नहीं आएगी, पीछे रश्मोर बहुत हो रहा है, वो वाला माइक नहीं है हमारा कॉलर माइक, ये रोड माइक है, डायरेक्शनल माइक है, ये इतनी आवाज़ नहीं आता, एक ये वाला घोड़ा है और एक घोड़ा पीछे तैयार हो रहा है, नहीं ये घोड़ा है, अच्छा एक घोड़ा ये, अच्छा एक बग्घी पीछे भी वो भी दिखाते हैं आपको, आज पहले ये चलती है ये स्टील बग्घी, ये अब अगर किसको चाहिए हो तो हाँ अभी भी हम बना के देंगे, हमारे पास 3 बग्घी है, आप अगर चाहिए हो तो भी मिल जाएगी भाई, मसला नहीं है, टांगा चाहिए सिंगल बग्घी चाहिए, टांगा चाहिए सिंगल बग्घी चाहिए, घोड़ा चाहिए घोड़े पे सवारी करनी है, अतरुगुल बनना है अतरुगुल गाजी बनना है, सब हो जाएगा भाई, वैसे वो लोगों के माइंड में वो चलता है अतरुगुल गाजी को देख के कि वो तुर्की में अतरुगुल गाजी तलवारों से लड़ाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो आप लोगों से दिखाया जाता है कि देखें पहले मुसलमान कितना उनका ईमान मजबूत हुआ करता था, अब चीज़ें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, अब आप लोगों ने ही अपने आप को इन्हेंस करना है, अपने आप को चीज़ों को आगे लेके जाना है, जैसे आप देख रहे हैं ना अभी दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ चल गई है, मिसाइल चलता है वो ऊपर ही तबाह कर दिया जाता है, घुमा फिरा के थोड़ा बता रहा हूँ भाई, भाई हम लोग बग्घी में बैठ गए और अब कायदेशाह मज़ार का एक घेरा होगा, आपके दही भी साथ हैं और दो घोड़े आगे लगा दिए, अगर एक थक जाए तो दूसरा भी चलता रहे, और तुम चढ़ जाओ बाइक पर, अब साथ लगाओ भाई, हाँ आराम से चला चलो भाई, जी बाबर भाई हाँ
भाई, ये साथ साथ दो कैमरों में शूट भी कर रहे हैं और चलते भी जा रहे हैं। भाई हम लोग इस टाइम पे बैठे हुए हैं बग्गी के अंदर और बड़ी एक लग्जरियस सी फील है इसके बैठने के अंदर। और नॉर्मली जैसे आजकल की लाइफ हो गई है जिसके अंदर हम लोग बाइक पे, गाड़ियों पे, बसेस पे घूमते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ में ये वाला एक्सपीरियंस ले रहे हैं जिसमें बग्गी में बैठ के आप बिल्कुल मुगलिया दौर का जो मज़ा है वो आप ले सकते हैं। लेकिन इतना सस्ता नहीं है मज़ा, ऐसा नहीं है आप आए आप बोले यार 20 रुपये दो अंकल और मैं आपको चार चक्कर कहते हैं कि बाजार के दिलाऊं, ऐसा नहीं है। आपको जब ये यहाँ पे आना होगा कोई बर्थडे बुकिंग के लिए या आपको कोई और फंक्शन के लिए, तो आपको प्रॉपर इसको पर आवर के हिसाब से बुक कराना पड़ेगा, फिर आपको ये शाहाना मज़े मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो लाइट मोड में सही रहता है ना, आपको लाइट मोड में बात समझा दो आप लोगों को समझ में आती है। ज़्यादा सीरियस हो जाओ बोलते हैं ज़्यादा होशियार हो रहा है, और जब ज़्यादा मजाक करो तो बिल्कुल ही बंदे को चुगत ही समझ लेते हैं फिर। लेकिन ये कि लाइट मीडियम मोड में बात करनी मेरे ख्याल में मुनासिब रहती है, जो आप लोगों को ज़रा अच्छी समझ भी आ जाती है। तो ये है कि अभी हम लोग दोबारा गुरु मंदिर पे आ गए हैं, जैसे कि मेरे पीछे ब्लू रिबन बेकरी है वो गुजर रही है। ब्लू रिबन बेकरी गुरु मंदिर, शाहर फैसल वाली नहीं, गुरु मंदिर वाली, इसके अपोजिट खड़े हुए हैं ये लोग। सही है, सामने जहाँ मिरिक कबाब भी हैं उस लेन में ये खड़े हुए हैं। नंबर आपको दे दिया है, एड्रेस आपको समझा दिया है, अब खुदा का वास्ता समझ जाना है एड्रेस। अब बंद करो, जी आबिद भाई आप अपना भी चैनल का बता दें, किस किस नाम से चैनल है? जी मेरा चैनल है आबिद जवान के नाम से, और मैं जो है जिस तरह ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग होती है इस तरह ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग भी करता हूँ और कुकिंग वगैरह भी करता हूँ, और ज़्यादा जो है हम मैं गांव जाता हूँ तो गांव की वीडियो बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल पर विज़िट करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा जी बग्गी का सफ़र। जब भी आपको बग्गी में बैठना हो बिल्कुल ब्लू रिबन बेकरी जो गुरु मंदिर पे है उसके ऑपोजिट ये लोग खड़े होते हैं मिरट कबाब के बिल्कुल साथ ना। तो एक चीज़ आप लोगों से और डिस्कस ये करनी थी कि इसके बीच में अक्सर जो है ब्रोकरेज भी आ जाते हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं जो कि अपना कमीशन रख के फिर इसकी बुकिंग आप लोग कराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये लोग 10,000 चार्ज कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे जी 15,000 रुपये। तो उसमें ये कोशिश करें कि जो डायरेक्ट ऑनर है उनसे कॉन्टैक्ट करें, मैं नंबर सर इसमें दे दूँगा, इनका पेज भी आपको दिखा दिया है मैंने, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें ताकि आपके पैसे भी बच सकें और कोई कंप्लेन अगर हो तो आप लोग डायरेक्ट ऑनर को बता सकें। तो इस वीडियो में यही था कि आप लोगों को ये जो कराची का हमारा पाकिस्तान का एक ट्रेडिशन था वो दिखाया जाए, और कितनी खूबसूरती से इन लोगों ने इन चीज़ों को मेनटेन किया हुआ है, सजाया हुआ है। लाजमी इन लोगों से कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट भी करें, इस वीडियो को भी प्रमोट करें। अपना बहुत ख्याल रखिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।